Hello students, so this is our introduction session of the taxation exam based on Finance Act 22. And this particular paper that we are going to study, iski hamare paas jo applicability hai, new Finance Act ki wo June 23 se March 24, yani ki aapke paas 4 attempts hongi, June, उसके बाद सितंबर, उसके बाद दिसंबर और उसके बाद मार्च, जिनमें हमारे पास सिर्फ फाइनेंस एक्ट 22 का रूल एप्लीकेबल होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एज फार एज द सिलेबस ऑफ दिस पेपर इज कंसर्न, तो हमारे पास देर आर फाइव टॉपिक्स. पहला टॉपिक जो हमें यहाँ पर स्टडी करना होगा, ये पहला टॉपिक यू कैन से दैट इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में हम ये सीखेंगे कि किसी इंडिविजुअल की, किसी इंडिविजुअल बिजनेस की इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके ऊपर कैसे टैक्स रूल्स अप्लाई किए जाते हैं. रिमेंबर दैट दिस पेपर टेल्स यू, ये पेपर आपको बताएगा कि टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, टैक्स रिलीफ कैसे हासिल किया जाता है, एग्जेम्पशंस क्या होती हैं, टैक्स पेमेंट जमा कैसे करवाई जाती है, पेनल्टीज वगैरह को कैसे डील किया जाता है, लाइक दैट. सो इनकम टैक्स, दिस इज वन ऑफ द ह्यूज पोर्शन ऑफ द सिलेबस. सबसे बड़ा पोर्शन सिलेबस में है इनकम टैक्स का, जिसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स है. एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसे हम एम्प्लॉयमेंट इनकम कहते हैं. वो इंडिविजुअल जो कहीं जॉब करता है, वहाँ से जो भी सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट करता है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ बोनस, इन द फॉर्म ऑफ कार बेनिफिट्स, फ्यूल बेनिफिट्स, उनके अगेंस्ट हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी होगी. अलॉन्ग विथ, अगर एक सोल ट्रेडर है या एक पार्टनरशिप बिजनेस है और अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो उस बिजनेस से हमें प्रॉफिट ड्राइव करना होगा और टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल कर उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे. सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप. इसके अलावा अगर कोई बिजनेस करता है प्रॉपर्टी रेंटल का, तो उस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे. अगर किसी ट्रेडिंग बिजनेस को प्रॉफिट की जगह लॉसेज हो जाते हैं, तो उनसे रिलीफ कैसे हासिल किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे. अलॉन्ग विद, अगर कोई पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, तो उसके टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं. इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो जमा करवाए जाते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका तरीकेकार क्या हो सकता है पॉसिबल. द सेकेंड टॉपिक विच इज कॉरपोरेशन टैक्स. कॉरपोरेशन टैक्स, यहाँ पर जो हमने ट्रेडिंग इनकम की बात की थी, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, तो यहाँ पर कंपनी की ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे और कंपनी के जो अदर सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे. कंपनी कहाँ से बेनिफिट जनरेट करती है और उस बेनिफिट के ऊपर लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी. कॉर्पोरेशन टैक्स मेजॉरिटी सिमिलर होता है इनकम टैक्स से. जो रूल्स हमने इनकम टैक्स में पढ़े होंगे, वही रूल स्लाइटली हम मॉडिफाई करके कॉर्पोरेशन टैक्स में अप्लाई करेंगे. इसी तरीके से अगर एक बिजनेस को लॉसेज होते हैं, तो कॉर्पोरेशन के लॉसेज को कैसे रिलीफ के तौर पर हासिल किया जाता है. फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप बनेगा, एक ग्रुप मौजूद है, ग्रुप में एक कंपनी के पास प्रॉफिट है, दूसरी कंपनी के पास लॉस है, तो उन दोनों कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे ऑफसेट किया जा सकता है. तीसरा टॉपिक जो कि टैक्सेशन का सबसे इजीएस्ट और सबसे कम वेटेज वाला टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ बुक चैप्टर, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस टैक्स. इनहेरिटेंस टैक्स का बुक में आपके पास सिर्फ एक चैप्टर गिवन है और उसकी वेटेज, यानी कि एक चैप्टर पढ़कर इसकी मिनिमम वेटेज हमारे पास 10 मार्क्स ही होती है. इस टॉपिक के अंदर हम कवर करते हैं लाइफ टाइम गिफ्ट्स के बारे में. अगर एक इंडिविजुअल अपनी जिंदगी में कोई गिफ्ट करता है, तो उस गिफ्ट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, उस गिफ्ट पे कैसे टैक्स लगेगा, क्या वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा. फिर अगर किसी शख्स की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ स्टेट में जो बिलोंगिंग्स मौजूद हैं, जो एसेट्स मौजूद हैं, जो अपनी विल में वो नॉमिनेट करके जा रहा है, उसमें क्या टैक्स के तरीके होंगे, रेट्स क्या होंगे, एग्जेम्पशंस क्या होंगी. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स. तो वैल्यू एडेड टैक्स स्टूडेंट को नॉर्मली नो हाउ होती है वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में, कि वैल्यू एडेड टैक्स लगता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर एक शख्स है और वो फाइनल कंज्यूमर है और वो गुड्स खरीदता है, तो सेलर उससे VAT चार्ज करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और वो VAT वो जमा करवाता है गवर्नमेंट को कंज्यूमर से लेकर. अलॉन्ग विद, जो VAT बिजनेस ने दिया होता है, वो उसके अगेंस्ट रिफंड मांगता है. और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स हैं, जीरो रेटेड गुड्स हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स हैं. अगेन, ये भी एक छोटा सा एरिया है और दो चैप्टर बुक के अंदर कवर होते हैं, और इसकी भी मिनिमम वेटेज हमारे पास 10 मार्क्स की है. लास्ट टॉपिक है कैपिटल गेन टैक्स.
जिसके पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है और कॉरपोरेशंस पे भी अप्लाई होता है। तो दो एस्पेक्ट्स होंगे, इंडिविजुअल का सीजीटी और कंपनी का सीजीटी। दिस इज ऑल दो इन टर्म्स ऑफ वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इट्स अ लेंथी टॉपिक और इसके 4 to 5 चैप्टर्स हमें बुक में पढ़ने पड़ेंगे, जिसकी मिनिमम वेटेज हमारे पास 10 मार्क्स की है। एज फार एज दिस पेपर पैटर्न इज कंसर्न, स्किल्स के पेपर के पैटर्न यूजुअली एक जैसे होते हैं, बट दिस पेपर इज सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर पेपर्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हर पेपर का एक ही पैटर्न होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन ए में 15 OTQs होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप्स हो सकते हैं, ब्लैंक्स हो सकती हैं। एक क्वेश्चन का मार्क आपको मिलेगा 2, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आपके पास 30 मार्क्स अवेलेबल होंगे सेक्शन ए में। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो सेक्शन ए के 15 OTQs बनाए जाते हैं, ये पूरे सिलेबस से ड्राइव किए जाते हैं। तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कहाँ से ये OTQs बनाए जाएंगे। तो अगर OTQs पे अच्छे मार्क्स लेने हैं तो यू हैव टू स्टडी द होल सिलेबस। सेक्शन बी हमारे पास अगेन 30 मार्क्स उसकी वेटेज है, लेकिन यहाँ पर अब OTQs इस तरह से नहीं आते, बल्कि 3 OT केस प्रोवाइड किए जाते हैं सिनेरियो बेस्ड। एक सवाल के 10 मार्क्स होंगे, सो टोटल 3 सवाल के हमारे पास 30 मार्क्स होते हैं। हर सवाल किस टॉपिक से आएगा ये हमें पहले से पता है। पहला सवाल हमारे पास IHT से आएगा 10 मार्क्स का, दूसरा सवाल CGT से आएगा 10 मार्क्स का, और तीसरा सवाल हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स से आएगा 10 मार्क्स का। सो हमारे सिलेबस में मिनिमम IHT 10 मार्क्स का है, मिनिमम वैट 10 मार्क्स का है, मिनिमम CGT 10 मार्क्स का है, और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और उसमें 5 OTQs होंगे वर्थ 2 each बेस्ड ऑन द केस। सेक्शन ए में जो OTs आते हैं वो बगैर केस के आते हैं, और सेक्शन बी में जो OTQs आते हैं वो एक केस, एक कॉमन टॉपिक देकर उसके नीचे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल सवाल भी होते हैं और न्यूमेरिकल सवाल भी होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें ये पता है कि ये 30 मार्क्स हमारे इन 3 एरियाज से कवर होते हैं। अब IHT 1 चैप्टर एंड VAT 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स अगर प्रॉपरली स्टडी कर लिए जाएं तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 मार्क्स हमारे पास इजीली इन 2 टॉपिक से निकल सकते हैं, और मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सेक्शन सी हमारे पास रिटन सेक्शन है, और बाकी ए और बी में हमें सिर्फ OTQs अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर हमारे पास CRQs आएंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मोस्टली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, जिसके लिए हमें एक्सेल इस्तेमाल करना होगा। 40 मार्क्स ही टोटल वेटेज है, और 3 सवाल हमारे पास होंगे। पहला सवाल इनकम टैक्स पोर्शन से होगा, जिसकी मिनिमम वेटेज है 15 मार्क्स, 15 नंबर का सवाल होगा। दूसरा सवाल कॉरपोरेशन से होगा, अगेन 15 नंबर का, तो मिनिमम इनकम टैक्स 15, मैक्सिमम इट माइट बी 40 मार्क्स, मिनिमम कॉरपोरेशन 15, मैक्सिमम इट माइट बी 25 to 30 मार्क्स। अब 60 + these 30 मार्क्स टोटल हो गए 90 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन CRQ का हमारे पास वर्थ 10 मार्क्स जो बच जाता है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, वो सिलेबस के किसी भी एरिया से पूछा जा सकता है, बट मेनली चांसेस यही ज्यादा होते हैं कि इनकम टैक्स में से कोई टॉपिक पूछा जाएगा, ताकि इनकम टैक्स की जो वेटेज है उसको कवर किया जा सके। सो वी नो दैट कि हमारे पास IHT CGT VAT सेक्शन बी में आएगा, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन हमारे पास सेक्शन सी में आएगा, और सेक्शन ए में कुछ भी आ सकता है, लेकिन IHT VAT की वेटेज सेक्शन ए में कम होगी और बाकी टॉपिक्स की, इनकम टैक्स की और कॉरपोरेशन की और CGT की वेटेज ज़्यादा होगी। सेक्शन सी में कॉरपोरेशन के अंदर VAT भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, CGT भी पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल में भी CGT पूछा जा सकता है, तो मिक्सिंग यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स ही हो सकती हैं। इस सिलेबस को कवर करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें इस्तेमाल करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेक्चर्स यूज करने हैं अपने ट्यूटर के प्रॉपरली, अलॉन्ग विद नोट्स जो ट्यूटर प्रोवाइड करेगा आपको, उसको आपको चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करना है, हर टॉपिक को कंप्लीट करके फिर अल्टीमेटली आपको उसको लेक्चर के साथ कनेक्ट करके रखना है, और साथ साथ आपको एक स्टडी टेक्स्ट रेफर करना चाहिए, विच इज रेकमेंडेड कि आप कैपलन का FA 22 का स्टडी टेक्स इस्तेमाल करें। न्यू फाइनेंस एक्ट का कैपलन का स्टडी टेक्स आपको जल्द मिल जाएगा। रिविजन किट भी आपको कैपलान की इस्तेमाल करनी है, जिसमें अपडेटेड पास पेपर्स मौजूद होंगे, OTQs भी होंगे, OT केसेस भी होंगे और CRQs भी इसके अंदर दिए हुए होंगे। अब रियल CB एग्जाम की फील हासिल करने के लिए ACC के पोर्टल को आप इस्तेमाल करेंगे, जहां पर
प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, मॉक एग्जाम अवेलेबल होंगे। इसके अलावा एसीसी की वेबसाइट पर हमारे पास कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स होंगे डिफरेंट टॉपिक्स से, उनको स्टडी किया जाएगा। और एट द एंड समरी नोट्स, चाहे खुद डेवलप कर लें या ट्यूटर के दिए हुए समरी नोट्स आप इस्तेमाल करें, हर टॉपिक को 1 पेज या 2 पेज पे समराइज कर लिया जाए ताकि इसको रिटेन करना आसान रहे। टेक्स्ट से पेपर के साथ प्रॉब्लम यूजुअली स्टूडेंट को ये आती है कि इट्स ऑलमोस्ट कैलकुलेशन बेस्ड पेपर, सो लॉट्स ऑफ टेक्स रूल्स यू नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू लर्न, आपको रिटेन रखना है ताकि आप एग्जाम में जो भी रूल्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करके मार्क्स ले सकें। हर्डल स्टूडेंट के पास ये आता है कि रूल्स बहुत सारे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ रूल्स होती हैं, तो आपको अपनी मेमोरी को, अपने रूल्स को याद रखना है, रिटेन करना है, और उसका बेस्ट तरीका है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कैन रिटेन योर रूल्स। अगर एक ही सवाल को बार बार प्रैक्टिस किया जाए, बार बार प्रैक्टिस किया जाए, तो उससे आपके टेक्स्ट रूल्स क्या हो जाते हैं, उससे आपके टेक्स्ट रूल्स पक्के हो जाते हैं। कुछ टेक्स रूल्स 3 to 4 पेजेस टेक्स शीट एक प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम में, वो याद नहीं करने होंगे, वो सिर्फ अप्लाई करने के लिए दिए जाएंगे कि ये रूल्स आपको याद नहीं करने, ये रूल आप देख लें और इस रूल को देखकर आप अप्लाई करें। उसके अलावा जितने भी टेक्स रूल्स होंगे हर चैप्टर में वो मेमोराइज किए जाएंगे, और उसके लिए आइडियली लेक्चर नोट्स और रिविजन किट, अगर इनका कॉम्बो बनाया जाए, इनको प्रैक्टिस की जाए, तो इफेक्टिवली पासिंग मार्क्स भी सिक्योर किए जा सकते हैं और इजीली इस पेपर को पास भी किया जा सकता है।